हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस। और मैं हूं सुरजीत। आज हमारा टॉपिक है कि सैडल वाल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में सैडल वाल्व कैसे काम करते हैं, तो हम लोग कभी जब एयर ब्रेक सिस्टम में काम करते हैं, कभी गाड़ी में ऐसे देखे होंगे जो एक इसी टाइप का वाल्व होता है, वो है सैडल वाल्व। तो हम लोग घबरा जाते जो ये कौन सा टाइप का वाल्व है, क्योंकि रिले वाल्व की रिलीज वाल्व ये सब वाल्व तो देखिए, बट ये सैडल वाल्व क्या वाल्व है, या ये गाड़ी का जो एयरबैग सिस्टम है वो एयरबैग सिस्टम में कैसे फंक्शनिंग करते हैं, और इससे क्या फायदा मिलता है, और कौन से गाड़ी में ये सब वाल्व रहने का संभावना है, तो ये सब जानकारी आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो फर्स्ट देख लेते एयरबैग सिस्टम में सैडल वाल्व। सैडल वाल्व आप सिंपल नाम से भी, डबल चेक वाल्व नाम से भी आपको कहा जाता है, यानी डबल चेक वाल्व और सैडल वाल्व जो है वो सेम ही है, अलग कुछ नहीं है उसी में। So, एक एयर ब्रेक सिस्टम का टू एक्सल, यानी एक फ्रंट एक्सल एक रियर एक्सल का एयर ब्रेक सिस्टम का सिंपल डायग्राम है। अगर आपको इसका फुल डायग्राम चाहिए, तो यानी एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में आपको फुल जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल में काफी सारे एयर ब्रेक सिस्टम का वीडियो है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके एयर ब्रेक सिस्टम का फुल जानकारी ले सकते। आज बेसिक जो पार्ट है वो है सैडल वाल्व। सैडल वाल्व कैसे काम करते हैं या कैसा फीड होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो में देखिए, एक ड्यूल ब्रेक वाल्व है। ड्यूल ब्रेक वाल्व जैसा फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक जो है, रियर एयर रिजर्वर टैंक है, जैसा रियर एयर टैंक से आया ड्यूल ब्रेक वाल्व का 11 नंबर पोर्ट में, एंड फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से एक कनेक्शन आया ड्यूल ब्रेक वाल्व का 12 नंबर पोर्ट में। और जो ब्रेक पेडल दबाने के बाद, यहाँ पे जो ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद जो एयर निकलता है वो 11 से निकलता है 21 में, और 12 से निकलता है 22 में। और पहले जो एयर ब्रेक का वीडियो मैंने बताया काफी बार भी, जो ये जो 22 नंबर जो निकल रहा है ये है आपका फ्रंट ब्रेक के लिए कनेक्शन जाते हैं, और 21 नंबर जो कनेक्शन है थ्रो RG2 रिले वाल्व या क्विक रिलीज वाल्व आपको जाता है रियर एक्सल ब्रेक के लिए, जो है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर एंड फ्रंट एक्सल में जो है वो ब्रेक नॉर्मल ब्रेक चेम्बर। ये जो सैडल वाल्व या डबल चेक वाल्व जो फीड होता है वो आपको फ्रंट एक्सल में ही फीड होता है, क्योंकि वो रियर एक्सल सर्किट में फीड नहीं होता है। जिस जिस गाड़ी में आप सैडल वाल्व देखेंगे, सारे गाड़ी में आप देखेंगे फ्रंट एक्सल में सैडल वाल्व फीड होता है। सैडल वाल्व के कट सेक्शन अगर देखेंगे तो इसी टाइप है, एक डबल टाइप एक चेक वाल्व है, और चेक वाल्व के अंदर सैडल वाल्व के अंदर एक बॉल्स रहता है। वो बॉल्स का काम क्या काम है, यहाँ से अगर हम प्रेशर इस तरह प्रेशर देंगे तो ये बॉल इस पर आ जाएगा, सो आके डायरेक्ट एयर आपको इसी में सप्लाई होगा, क्योंकि ये आपको आउटलाइन है। और अगर इस तरफ से हम लोग प्रेशर देंगे तो बॉल उस पर चला जाएगा, तो उस पर जाने से ये वाला पोर्ट को रोक देगा, रोकने से एयर डायरेक्ट इसी में सप्लाई होगा। सेम बॉल अगर इस पर हवा अगर इस पर से प्रेशर दिया, बॉल इस तरफ आ जाएगा तो ये लाइन को चोक कर देगा, चोक करने के बाद एयर डायरेक्ट इसी में आउटलाइन से सप्लाई होगा। ये है सैडल वाल्व, यानी दो इनपुट है सैडल वाल्व में और एक है आउट है। ये आपको हो गया इनलाइन है, ये भी इनलाइन है, और एक है आउटलाइन है, यानी डबल चेक वाल्व का यही तीन पोर्ट है। ब्रेकिंग कंडीशन में कैसे फंक्शन करते वो देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे आपने ब्रेक दबाया तो 11 से 21 नंबर में एयर निकल के सीधे जाएगा आपको रियर एक्सल। ये है RG2 रिले वाल्व होके जाएगा आपको स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में, जाके ब्रेक लगाएगा, एंड फ्रंट एक्सेल के लिए 12 से जो 22 नंबर से एयर निकलते हैं वो निकल के आपको डायरेक्ट जाएगा सैडल वाल्व या डबल चेक वाल्व में। और 21 से जो रियर एक्सेल के लिए जो ब्रेक रियर एक्सेल ब्रेकिंग के लिए जो एयर निकला था वो भी एक कनेक्शन इधर आ रहा है, थ्रो टी कनेक्शन एक कनेक्शन इधर आ रहा है, और फ्रंट एक्सेल ब्रेक के लिए जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट चेक वाल्व में जा रहा है, और थ्रो चेक वाल्व ये आ रहा है आपको फ्रंट एक्सल ब्रेक के लिए जो QR भी क्विक रिलीज वाल्व में आता है, और उसके बाद आपको जाता है ब्रेक चेंबर में। जोर से प्रेस किया सो उसी समय दोनों में प्रेशर आता है, जिसमें प्रायोरिटी ज्यादा रहते हैं। प्रायोरिटी का मतलब फ्रंट एक्सल में सैडल वाल्व इसीलिए लगाया जाता है जो रियर एक्सल का कंपेरिजन में प्रायोरिटी फ्रंट एक्सल में भी मिलने के लिए। तो इसमें ऐसे ही फंक्शन है, जैसा ये लाइन मेरा ब्रेक हो गया या लाइन फट गया, उस कंडीशन में क्या होगा, हमको ब्रेक आगे का ब्रेक फेल होने का संभावना है, क्योंकि लाइन फट गया या आगे वाला जो ब्रेक लाइन लीकेज हो गया, जो ड्यूल ब्रेक वाल्व से सैडल वाल्व तक आ रहा है या लीकेज हो गया, तो इस लाइन में एयर नहीं आएगा। ओनली मेरा रियर एक्सल में ब्रेकिंग के लिए एयर जाएगा।
उसी कंडीशन में फ्रंट एक्सल को ब्रेक लगाने के लिए, जैसा ये वाला लाइन आपको ब्रेक हो गया तो इसी लाइन में या जाकर कोरियर एक्सल में ब्रेक लगा रहे, बट फ्रंट एक्सल में ब्रेक कैसे लगा, यहाँ टी कनेक्शन हो गया या इसमें इन हो रहा है, जैसे इन हो गया तो बॉल इस तरह मूव हो जाएगा, ऐसा मूव हो जाएगा जाने से ये एयर डायरेक्ट आके आपको फ्रंट एक्सल में भी ब्रेक लगाएगा। सो एक मेजर मेजर फैसिलिटी क्या हो गया, आपको एक ही पोर्ट से एयर निकल के रियर एक्सल में भी जा रहा है देन फ्रंट एक्सल में भी आ रहा है, यानी हाई प्रायोरिटी इसमें है। जैसे अगर रियर एक्सल में जो एयर जा रहा है उसका प्रेशर बहुत कम है या लो प्रेशर है, जैसे टैंक में लीकेज है तो ज्यादा प्रेशर नहीं देगा, लो प्रेशर है, सो उसी कंडीशन में फ्रंट एक्सल में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि फ्रंट एक्सल में अगर प्रेशर रियर एक्सल में जो एयर प्रेशर जा रहा है उससे ज्यादा हो तो ये बॉल इस तरफ पुश, एयर इधर पुश करेगा बॉल इस तरफ आ जाएगा, ऐसा आने से ये जो एयर पासेज जो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, जाके यहाँ से यहाँ जाके आपको फ्रंट एक्सल में भी ब्रेक लगा देगा। सो ये था आपको सैडल वाल्व का फंक्शन है, डबल चेक वाल्व, जिस तरफ बॉल जाएगा उस तरफ चोक करेगा, नेक्स्ट इस तरफ से हवा आएगा, अगर इस तरफ से हवा आया तो इधर को चोक करेगा इधर आएगा। अगर इस लाइन में 7.1 बार प्रेशर है और इस लाइन में है 7.2 बार, सो उस कंडीशन में क्या होगा, इस बॉल को इस तरफ आ जाएगा, आगे इस लाइन के एयर को पास करेगा ब्रेक लगाने के लिए, अगर इस तरफ कम है तो बॉल इस तरफ आ जाएगा, अगर इस तरफ लाइन का प्रेशर कम है तो बॉल इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होने से बॉल को उस तरफ दबा देगा। और नेक्स्ट है आपका ड्यूल ब्रेक वाल्व का, अगर क्योंकि ड्यूल ब्रेक वाल्व का अंदर डबल पिस्टन रहता है डबल ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि मैंने ड्यूल ब्रेक वाल्व का जो पहले वीडियो है उसमें अच्छी तरह से समझाया जो कि वो ड्यूल ब्रेक वाल्व हम लोग ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं, नॉर्मल वाल्व जो है वो क्यों नहीं यूज करते। सो अगर ड्यूल ब्रेक वाल्व का अगर नीचे वाला पिस्टन कुछ जाम हो गया या नीचे वाला पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, लीकेज हो गया, सो उसके लिए आपको एक ही पोर्ट से जो एयर निकलेगा उसमें डबल ब्रेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो सैडल वाल्व जो है वो सैडल वाल्व पर्टिकुलर कुछ गाड़ी में लगाता है, जैसा मीडियम कॉमर्शियल्स जो व्हीकल्स है, जैसा आपको 16 टन कैपेसिटी तक जो व्हीकल्स है कभी बार उसमें उस व्हीकल्स में भी सैडल वाल्व एयरबैग सिस्टम में आ जाते हैं, या मैक्सिमम जो सैडल वाल्व गाड़ी में या गाड़ी के एयरबैग सिस्टम में आता है वो है 16 टन जो मीडियम कॉमर्शियल्स जो व्हीकल्स है, वो जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जो व्हीकल्स चलते हैं, जैसा टिपर हो गया, डंपर जो हो गया, ट्रक हो गया, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में चलता है, वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट का हर गाड़ी में आपको देखेंगे सैडल वाल्व दिया रहता है। तो आज तक सैडल वाल्व एयरबैग सिस्टम में कैसे यूज होता है और कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।